अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम है और हर घर में ये बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कद्दूकश की हुई गाजर 1 किलो ली है। इसके अलावा हमने 1 कप चीनी ली है भर के, खोया लिया है 1.5 कप, पिस्ते लिए हैं हमने 20 से 25, इसी तरह से हमने काजू लिए हैं 20, और बादाम भी हमने तकरीबन 20 लिए हैं। 7 से 8 छोटी इलायची, सब्स इलायची ली है। दूध लिया है मैंने 2 से 3 कप। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे गाजरें, मीडियम फ्लेम रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम यहाँ पर रखिएगा। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन, हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। अब हम इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको अब पकने के लिए रख देंगे। देखें, गाजरें और मिल्क जो है वो पक रहे हैं और ड्राई भी हो रहा है मिल्क। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल देंगे सब्ज इलायची, पिस्ते डालेंगे इसके अंदर, बादाम डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध ड्राई हो जाए। अब हम इसके अंदर आधा खोया डाल देंगे और आधा हम बाद में बचा लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि खोया जो है वो हमारा अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मज़ेदार और टेस्टी डिश रेडी है हमारी, गाजर का हलवा। ये सभी का बहुत पसंदीदा होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एज इट इज़, जैसे मैंने बनाई है आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, देखें इसको किस तरह से मैंने जो है वो सजाया है। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। मज़ेदार, सो यमी, बहुत टेस्टी है, आपको ये पसंद आएगा।